इस एरिया को भालू का घेरा इसलिए भी बोलते होंगे क्योंकि ये जो सामने वाले पहाड़ हैं, आमने सामने के जो दो पहाड़ हैं, ये बहुत क्लोज है अगर भालू नीचे आ गया। तो आज हम जा रहे हैं हमटा पास ट्रैक, जो कि हमारा मनाली से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ से हम बाइक में जाएंगे अलेऊ तक, और अलेऊ के बाद विजय भाई हमें वहाँ से पिक करेंगे, गाड़ी में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे बैग बहुत बड़े हैं जो कि बाइक में नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला हमें बाइक में वहाँ तक आ जाओ और उसके बाद हम गाड़ी में जाएंगे। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। अभी हम गाड़ी में निकल पड़े हैं हमटा पास की तरफ, विजय भाई ने हमें पिक कर लिया है और हम पांडुरोपा तक गाड़ी में जाएंगे। उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा जो कि 6 या 5 डेज का रहेगा। पहले दिन की वॉक हमारी पवित्र क्षेत्र पांडुरोपा से स्टार्ट हुई, जो कि हमटा पास रिवर के साथ में ख़त्म होगी, जो कि जहाँ पे हमारा बेस कैंप लगेगा आज। और नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे तक जाएंगे। हमें बताया गया है कि 2 से 3 घंटे का रास्ता है उस पुल तक जहाँ पे हमटा पास का ट्रैक स्टार्ट होता है। चलो देखते हैं। काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो प्रेनी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये सामने वाला प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, इसके बाद हमटा पास स्टार्ट होता है। तो अब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से आगे की ओर रास्ता है और बहुत अच्छे अच्छे व्यू आगे देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं आगे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, बहुत से अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिल रहे थे, जिससे कि हमें चलने में और भी जो उस मज़ा आ रहा है। कहाँ से आएंगे आप? पालमपुर से। अच्छा, पहाड़ पहाड़ से आते हैं आप तो? अच्छा अच्छा यहाँ से स्पीति जाएंगे आप? थोड़ी देर पहले भी यहाँ से। हमने यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया और कुछ बातें की और फिर यहाँ से आगे की ओर निकल गए, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो हमने सोचा अपने बेस कैंप तक पहुँच के टेंट वगैरह फिक्स करके उसके बाद रेस्ट करेंगे। अभी हमने ये जो आगे दिख रहा है आपको, यहाँ से आगे जाना है, फिर हमटा पास दिखेगा और हम अपनी मंजिल में पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने आज कैंप लगाना है। पीछे जंगल से हमने काफ़ी लकड़ी अपने बैग में कैरी कर ली थी, जिससे कि हमारे बैग का वेट बढ़ गया था। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और अभी हम प्लान करेंगे कि टेंट कौन सी जगह पे सही रहेगा, जहाँ पे कि लकड़ी पानी सब कुछ हो, वहाँ पे हम दोनों टेंट लगाएंगे। और लकड़ी तो वैसे हम साथ में लेके आए हैं और अब खुशी के आंसू भी आ रहे हैं क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। ये कुछ हमारी आग गली हुई है, हमने गर्म पानी गर्म करने के लिए पानी रखा है। गुड मॉर्निंग, हमटा में पहली मॉर्निंग और अभी 8 बज रहे हैं और ये अंकित सोया हुआ है। अंकित, मैं बाहर जाके बाहर का व्यू देखता हूँ कैसा है मौसम है कैसा। और ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, अभी ब्रेकफास्ट तैयार रेडी हो रहा है।
ये है हमारा पीनट बटर और साथ में है गरम गरम चाय। स्पॉन्सर बाय बासमती राइस सबसे नाइस। और ये बनी है हमारी दाल, चने की दाल, आधा चना। और अब हमारा कैंप जो है वो हो चुका है पैक। अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं चिका के लिए, तो मौसम भी थोड़ा खराब हो चुका है और चलते हैं अब। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो हम भी पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ा सा रह गया, तो हम जल्दी से जल्दी अपना कैंप लगाएंगे अभी जाके। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, भगवान करे थोड़ी देर बारिश रुक जाए जब तक हमारा टेंट वगैरह। और जो हमारी सेकंड डे की कैंपिंग है वो हम एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के सामने करेंगे। हल्की हल्की बारिश लग रही थी और एकदम से तेज हो गई, जिसने हमारी हालत ख़राब कर दी थोड़ी देर के लिए। पर हमने जल्दी जल्दी टेंट लगा लिया और कुछ ऐसा मौसम बहा था, बहुत तेज़ बारिश लग रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी टेंट से। और ये चिका वाटरफॉल, बारिश भी हो रही है अभी और हमारा टेंट अब लग चुका है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे बड़ी बारिश बर्फ हो गई है, क्योंकि हमारा टेंट मतलब एक जगह फिक्स हो चुका है और यहाँ पे कोई भी इधर उधर से बारिश आने का भी कोई वो नहीं है कि अंदर बारिश आ सके। या फिर हमने ऐसी जगह पे टेंट लगाया है जहाँ पे पहले भी बहुत सारे लोगों ने टेंट लगाया था। डिनर रेडी हो चुका है, जो हमारा सेकंड डे का डिनर है वो है मिक्स वेज एंड पुलाव। एकदम यो मैन, अभी हम डिनर करेंगे जो कि अंकू ने अभी दिखाया आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। मुँह में पानी आ गया है, पानी जा रहा अंकू भाई। रात को पता भी नहीं लगा कब नींद आ गई, एकदम से नींद आ गई और सुबह भी कब हुई पता नहीं लगा। अभी 8 बज रहे हैं और बाहर का माहौल देखते हैं थोड़ी देर में। चलते हैं बाहर, देखते हैं कैसा माहौल है बाहर का। मौसम थोड़ा थोड़ा साफ क्लियर हो रहा है, यहाँ पे तो साफ होने लग गया है पीछे झरने की आवाज़। और हमने जहाँ टेंट लगाया ये तो सबसे बेस्ट लग रहा है यहाँ पे, पर रात को थोड़ा सोने में मुश्किल हुई क्योंकि आदत नहीं है हमारे को आवाज़ झरने की आवाज़ में सोने की, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई। लेकिन जब एक बार नींद आ गई तो सुबह तक पता नहीं लगा कि कब सुबह होगी। राजमा चावल बनेंगे आज फुल पावर। ये हमारे चावल जो कि रेडी हो चुके हैं, राजमा भी रेडी हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए पूरी दबी है, ये चटनी बन गई, मतलब राजमा बन गई। प्याज टमाटर काट दिए, तड़का लग रहा है, आग जल रही है यहाँ पे, ये प्याज ये आग जल रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले लंच किया है और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर, फिर यहाँ से ऊपर को वाटरफॉल से ऊपर की ओर जाएंगे। फिर आज मौसम ख़राब है तो हमारा आज का प्लान चेंज हो गया, हमने सोचा कल अब हम आलू का गिरा जाएंगे क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था है, अगर रास्ते में बारिश पड़ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने प्लान कैंसिल कर दिया आज का।
वाटरफॉल था वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल है, ऊपर को जाते रह रहे जाते जाते बहुत मज़ा भी आ रहा है, लेकिन थक भी चुके हैं, वापस जाने का टाइम भी हो गया है। तो ये था हमारा लास्ट वाला वाटरफॉल, और एक यहाँ नीचे भी वाटरफॉल है, रास्ते में चलते चलते नीचे तक वाटरफॉल है। तो अभी हम पूरी देर में नीचे जाएंगे अपने टेंट के पास, खाना वगैरह बनाएंगे और शाम का प्लानिंग करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मौसम के हिसाब से हम आगे की ओर जाएंगे, अगर मौसम क्लियर रहा तो हम निकल जाएंगे अभी थोड़ी देर में, अगर नहीं रहा तो हम वापस जाएंगे फिर, देखते हैं क्या कैसा मौसम है बाहर। मौसम तो आज बिल्कुल क्लियर है, तो आज हम थोड़ी देर में निकल जाएँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से निकल जाएंगे। चावल ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट करके अपना टेंट वगैरह क्लोज करके यहाँ से निकल जाएंगे। हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भालू का गेरा। सुबह मौसम क्लियर था तो हमने सोचा जल्दी जल्दी सामान पैक करके निकल पड़ते हैं आगे की ओर, और अब हम निकल पड़े हैं काफ़ी आगे आ गए हैं। नाला क्रॉस किया हमने, और ये भी एक और नाला यहाँ पे, इसको क्रॉस करने के बाद हम आगे भालू का गेरा में पहुँच जाएंगे। ये है भालू का गेरा, तो यहाँ पे भी कैंपिंग होती है इस साइड पे, पर हमने सोचा है कि आगे ले जाएंगे जहाँ पे ज़्यादातर कैंपिंग होती है, और ये बहुत ही लोक में है, चलना बहुत मुश्किल है। अभी तक यहाँ पे कोई भी कैंप साइट नहीं लगी हुई है, किसी का भी कैंप नहीं लगा है, कोई कैंपिंग करने यहाँ पे नहीं पहुँचा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ पे लग चुकी है स्नो, स्नोफॉल हो रहा है दोस्तों, बाहर कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, देखते हैं क्या चल रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, थोड़ी ज़्यादा देर। फुल पावर बारिश,
अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, अब रुक गई है और ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लव्स वगैरह लगा लिए हमने, माइनस में चला गया टेम्परेचर। और अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा वॉक कर लेते हैं यहाँ पे। और अभी हमारी बन रही है मैगी। ये देखिए हम द माउंटेन फेस गाना गाते हुए, और ये मैगी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। और अभी 10 बज चुके हैं और मौसम हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो हमने सोचा खाना खाते हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो 11-12 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। और ये अंकित डांस करते हुए डांस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं बंदे। और ये हमारा खाना बन रहा है, चावल गर्म हो रहे हैं, दाल गर्म हो चुकी है, खा पी के हम यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। इस एरिया को भालू का घेरा इसलिए भी बोलते होंगे क्योंकि ये जो सामने वाले पहाड़ हैं, हमने सामने के जो दो पहाड़ हैं, ये बहुत क्लोज है। अगर भालू नीचे आ गया तो वापस जाना जाएंगे आप लोग, फिर भालू आपको अपने अंडर ले लेगा। तो इसलिए शायद यहाँ पे इस एरिया का नाम भालू का घेरा है क्योंकि बहुत क्लोज पहाड़ है यहाँ पे बिल्कुल सामने, और गुफा गुफा बनी हुई है चारों तरफ। साथ में एक्सट्रीम लग रही है बहुत। अगर धूप लगती तो हमने प्लान किया था कि यहाँ पे हम नहाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तो पानी टच करने को नहीं है, अभी नहाना तो दूर की बात है। ये जो सामने वाला पहाड़ अभी धुंध से छुप गया है, ये है हमटा पास। यहाँ से क्रॉस करके छत्रु पहुँचते हैं और छत्रु से फिर आगे चंद्रताल जाते हैं। ये कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है यहाँ पे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडा भी हो गया है। थोड़ी देर में हमने सोचा है यहाँ पे थोड़ी देर में हम अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर देंगे, और बारिश नहीं रुकी तो स्लीपिंग टेंट वगैरह क्लोज करके यहाँ से निकल जाएंगे। पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइफ इन माउंटेन, देखते रहिए लाइफ इन माउंटेन। पहाड़ों में खो